हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। अभी तो टाइम है 1:45 PM और हम लोग है शियालदह स्टेशन पे। हम लोग जा रहे हैं शियालदह टू NJP और मेरी छोटी नैनन ऑफिस से आई है हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए। तो गाइस, मैं ब्लॉग को घर से स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि निकलने के टाइम काफ़ी भागा दौड़ी थी। हमारी 1 वीक की छुट्टी घर पे ख़त्म हो गई और मम्मी इतना दिन हमारे साथ थी, इस बार मम्मी नहीं जा रही है, तो सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गए, तो इसीलिए भी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया। तो गाइस, अभी रात को बज रहे हैं 3 और हम लोग अभी पहुँच गए NJP स्टेशन और सस्पेंस से कहाँ जाना है बताएंगे धीरे धीरे। और अभी हम लोग डॉर्मेटरी एक रूम लिया, मतलब दो रूम लिया अपोजिट साइड में हालदार का, इस साइड में मेरा और आलू का। तो और ट्रेन फीस होगी वैसे ही आने के आगे इधर सुला दिया और मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट लूँगी 2-3 घंटे, उसके बाद फिर जाने स्टार्ट होगा। तो गाइस, फिलहाल सबसे मिल गई, तो हाय कर दो। आरू हाय। और पीछे को क्या कर रहे हो? आरू का पापा कहाँ है? पीछे ऐसे पम्मी, ऐसे दादा भाई। तो गाइस, 1 मंथ पहले की एक वीडियो है जिसमें मैं मेरी फ्रेंड को फॉर कटिंग जगह एक ट्रॉली दिया था, तो फाइनली आज वो ट्रॉली मुझे मिल गई है और वो ट्रॉली लेके अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने फैमिली के साथ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दार्जिलिंग। अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो अभी आधे रास्ते पे हम लोग सब टिफिन करने के लिए उधर बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये हमने नहीं बताया क्योंकि हर बार हम लोग कभी ना कभी जाने के लिए प्लानिंग करते हैं तो पोस्टपोन हो जाती है, तो फाइनली दार्जिलिंग के रूट पे आ गए हैं। तो अभी जानी स्टार्ट हो गई, तो फिलहाल टिफिन करके फिर हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। गाइस, अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हो तो दिन का शुरुआत होना चाहिए चाय के साथ और साथ में मोमो, एंड ये जो ग्रीनरी व्यू है ना, जस्ट ऑसम। पहुंच गए हूँ दार्जिलिंग में। हम लोग अभी हैं हमारे होटल जो रूम है उसके बाहर, तो काफ़ी सब लोग टायर्ड है और अभी थोड़ा फ्रेश होनी है। फ्रेश होने के बाद आरुषि को खिलाना है, हमारा थोड़ा लंच भी करना है, उसके बाद प्लानिंग करेंगे अभी इस टाइम कहाँ जाएंगे। तो ये है हमारा रूम, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है कि ये जो कर्टन है ना, ये तो मुझे बहुत बढ़िया। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. और ये है मम्मी और भैया का रूम। सब रूम ही छोटा लिया क्योंकि 3-2 नाइट स्टे है। और ये है पम्मी और मौसी का रूम। चॉकलेट आ जाए ना। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे और ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये ग्लिनरिस का ये सबसे बड़ा बेकरी है, तो बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी आरू, आरू एक बार हाय कर दो बेटा। आरू हाय। तो हमारी लंच हो गई और लंच के बाद अभी हम लोग आए हैं एक पॉपुलर मेल रोड पे। पहले भी मैं एक बार आई थी दार्जिलिंग पे, पर ये 12 इयर्स में दार्जिलिंग काफ़ी चेंज हो गई और क्राउड काफ़ी बढ़ गई। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay. ये मेल रोड पे जो हॉर्स राइडिंग है इसका चार्ज लेता है 50 रुपीज़ और 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। तो मैं देखना चाहती थी आरुषि को इस पे बैठा के कि ये रोए कि नहीं, पर मेरी बेटी तो स्मार्टली बैठ गई और भैया के साथ 3-4 चक्कर पूरा आराम से लगा लिया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल मंदिर, जो पिछली बार जब आई थी वो मेरा मिस हो गई, तो पीछे पम्मी है। मंदिर के लेफ्ट साइड में है पूरा मार्केट, महाकाल मार्केट। और हम लोग ना चलते चलते बारिश स्टार्ट हो गई थी, देखिए कितना फॉग ही फॉग है। मम्मी का हालत देखिए, यानी में इतना प्रॉब्लम हो रही है मम्मी का, मम्मी के ऐसे ही आर्थराइटिस है, उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो रही है, थक जा रही है मम्मी बार बार। बिस्टी बिस्टी हाँ, और ऊपर से ना ये इधर का बारिश का तो वही, कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं, आ रही है और जा रही है। Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's अरे हम आ गए हैं महाकाल मंदिर पे। Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. तो गाइस अभी घर चली आई हूँ, बिकॉज़ आरुषि थोड़ी देर पहले सो गई है, तो उसको लेके आई हूँ थोड़ा सुला के, फिर उठा के फिर जाऊँगी मार्केट। और मौसी, मम्मी, भैया, पामी ये सब है, मोमो ले रही है। हम लोग बेकरी में गए थे तो कुछ स्नैक्स वगैरह लिया, तो बस देखती हूँ आरुषि कितने बजे उठते हैं, उसके हिसाब से हम लोग निकलेंगे बाहर। तो गाइस हम लोग गए थे ग्लैनरी बेकरी पे, उस टाइम हम लोग कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि हल्दार ले रहा था स्नैक्स और आरुषि सो गई थी मेरी गोदी पे। तो गाइस मैं ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, हमारा दार्जिलिंग टूर कैसा लगा वो ज़रूर कॉमेंट करके बताना, और आप लोगों के पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर हम लोग के साथ शेयर करना। तो आज के लिए टाटा बाय, फिर मिलेंगे दार्जिलिंग डे 2 में।